हेलो एवरीवन माय नेम इज चंदन सिंह क्या जी थर्ड जून 2020 द हिंदू एडिटोरियल है देखते देख किस बारे में यह लिखा है कि मोनूमेंटल हरी मोनूमेंटल का मतलब है इमारत से रिलेटेड है ना कोई स्मारक इमारत बनाने से रिलेटेड है तो वो स्मारक बनाने के लिए काफी हरी में है गवर्नमेंट बहुत जल्दी में उसके बारे में देखते हैं आगे क्या है देयर माइट बी केस टू री सेंट्रल विस्टा कौमा है रुकते हैं दे आर माइट बी अ केस माइट बी जब भी आ जाए इसका मतलब है कि वही 20-30 परसेंट चांसेस की बात हो रही है क्योंकि देयर माइट बी अ केस हो सकता है कि ऐसा केस हो टू री कि दोबारा से बनाया जाए सेंट्रल विस्टा यहाँ पर एक्चुअली मैं आपको बता दूँ सेंट्रल विस्टा एक ये प्रोजेक्ट है जिसमें पार्लियामेंट की बिल्डिंग को दोबारा बनाने के लिए बात कही जा रही है उस बारे में बात है तो हो सकता है कि ऐसा केस हो टू रीडेवलप सेंट्रल विस्टा उसको दोबारा से डेवलप किया जाए बट इट मस्ट नॉट बी डन इन हेस्ट लेकिन ये जल्दीबाजी में नहीं किया जाना चाहिए देखिए इट मस्ट नॉट बी तो आप समझ के मस्ट नॉट बी डन ये पैसिव हो गया कि इसको नहीं किया जाना चाहिए अवश्य ही नहीं किया जाना चाहिए इन हेस्ट का मतलब होता है जल्दीबाजी में तो क्लियर है यहां तक कि वही स्मारक अब बनाइए बट इस पर अभी जल्दीबाजी मत दिखाइए ये बात कही जा रही द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज सो पजेस्ड बाई इट्स प्लान टू द सेंट्रल विस्टा कौमा है रुक जाते हैं देखिए यहाँ द लगा हुआ है यानी कि गवर्नमेंट की बात हो रही है नरेंद्र मोदी के लिए द नहीं लगा है द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज तो ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी की इज सो पजेस्ट पजेस्ट का मतलब एक तो होता है कि किसी पे अगर भूत चढ़ गया वो भी पजेस्ट होता है और एक पजेस्ट का मतलब है कि आप बिल्कुल अधीन है आप पजेस्ट हैं यानी कि किसी काम को आपको करना है आप उसके चक्कर में एकदम डूबे हुए हैं वो भी पजेस्ट होता है तो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा पजेस्ड है एकदम अधीन है किसके अधीन है बाइट्स प्लान इन्होंने जो प्लान सोचा है कौन सा प्लान है तो यहाँ पर इन्फिनेटिव लगा हुआ है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है टू री डिवेलप द सेंट्रल विस्टा जो भी सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है कि किस किस बिल्डिंग को हमें दोबारा से बनवाना है उस उसके वो री मतलब क्या बोलते हैं उसके वो अधीन है यू नो रीडेवलप के अधीन है कि करना ही करना है जी यहाँ तक क्लियर है अब यहाँ सेंट्रल विस्टा पे कॉमा लगा है अब कॉमा के बाद जो चीज बताई जा रही है वो सेंट्रल विस्टा के बारे में इंफॉर्मेशन होगी इसलिए आपको एपोजिशन भी आना चाहिए ग्रामर में तो देखते हैं क्या है सेंट्रल विस्टा द थ्री किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच ये तो समझिएगा थ्री किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच यानी कि तीन किलोमीटर एकदम लंबा स्ट्रेच का मतलब खिंचा हुआ लंबा फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू तो इंडिया गेट तो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर का जो लंबा रास्ता है वहां पर ये लोग कुछ रीडेवलप के बारे में कुछ प्लान है आप पढ़ लीजिएगा सेंट्रल विस्टा अलग से आप पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि किस किस बिल्डिंग कुछ बदलना है क्या क्या रीडेवलप करना है उसके बारे में तो ये समझ में आ गया कि सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करने में बिल्कुल पजेस्ट हैं चलिए आगे देखते हैं कि दैट इवन अ डिवेस्टेटिंग पैंडेमिक अब लिखा है कि इतने वो व्यस्त हैं अधीन है हो गए हैं प्लान में कि यहाँ तक कि जो डिवेस्टेटिंग पैंडमिक है ये डिवेस्टेटिंग का मतलब विनाशकारी जो सब कुछ बर्बाद कर देने वाला जो महामारी है इज नो डिस्ट्रैक्शन ये भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका दिमाग एक जगह से दूसरी जगह खींच करके चला जाए यू नो तो कोई चीज डिस्ट्रैक्शन बन जाती है तो पेंडेमिक भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है फ्रॉम इट कि इनका दिमाग जो इस सेंट्रल विस्टा की रीडेवलप वाले से खिंच जाए थोड़ा हिंदी करना मुश्किल होता है कई बार बट समझ में आ रहा है ना आपको कि कहानी क्या है कहानी यही है कि नरेंद्र मोदी जी इतने उसके अपने प्लान में खोए हुए हैं कि सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करना है कि ये पैंडमिक भी इनका ध्यान खींच नहीं रहा है इससे इतने वो एकदम पजेस्ट हैं उसके लिए क्लियर है चलिए आगे देखते हैं इनफैक्ट अमिट द नेशंस सिक्योरिटिक बैटल अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन कौमा है रुकते देखिए इनफैक्ट का मतलब है वास्तव में अमिड का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बीच में तो अमिड द नेशन्स क्योटिक बैटल यानी कि नेशन का ये जो क्योटिक बैटल है क्योटिक का मतलब कि जो सब कुछ अव्यवस्थित कर दे अस्त व्यस्त कर दे ऐसी जो लड़ाई है पूरे नेशन की जो लड़ाई है अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन किसके खिलाफ लड़ाई है कोविड नाइन नाइन्टीन के खिलाफ जो लड़ाई है तो इस लड़ाई के बीच में इस क्योटिक बैटल के बीच में द सेंटर हैज़ बिन रशिंग अहेड सेंटर जो है वो हैज़बिन लगा है ना मतलब भागती जा रही है हैज बीन रशिंग अ आगे की तरफ भागती जा रही है रश का मतलब है तेज तेज जाना तो एकदम तेज तेज वो आगे बढ़ते जा रही है किस चीज़ में अपने प्लान को लेकर इग्नोरिंग प्लीज टू पॉज इट फॉर फर्दर डेलीवरेशन इग्नोरिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया कि करते हुए इग्नोर करते हुए किसको इग्नोर करते हुए प्ली प्लीज में ये प्ली का प्लूरल है प्ली मतलब क्या होता है प्रार्थना करते हैं याचिका वगैरह लगाते हैं ना प्ली ये प्ली वगैरह आपने सुना होगा ये लॉ से रिलेटेड जो वर्ड है तो इग्नोरिंग प्लीज़ टू पॉज यानी कि पॉज करने के लिए जो भी रिक्वेस्ट है उसको इग्नोर करते हुए और ये जो पॉज करने के लिए जो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टू पॉज इट फॉर फर्दर डेलीवरेशन फर्दर मतलब आगे डेलीवरेशन का मतलब विचार विमर्श यानी कि आगे के विचार विमर्श के लिए भैया इसको पॉज कर दो इस तरह के जितने भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं उन सबको इग्नोर करती हुई ये जो सेंटर है हेज़ बिन रशिंग अहेड या आगे बढ़ती जा रही है उस बीच में जब क्योटिक बैटल चल रहा है कोविड नाइन्टीन के खिलाफ क्लियर यहां से आज चलिए आगे देखते द प्लान इज ऑल्सो टू कंस्ट्रक्ट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग देखिए तो क्लियर कि जो प्लान है वो ये भी है कि कंस्ट्रक्ट करेंगे बनाएंगे एक नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाएंगे बाई मार्च 2020 यानी कि मार्च 2022 तक एक नया पार्लियामेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगा एंड अ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बाई मार्च ट्वेंटी Uh, 2024 तो 2024 तक ये जो आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है वो भी बन जाएगा अलोंग विद न्यू रेजिडेंसेस अलोंग विद का मतलब है के साथ साथ न्यू रेजिडेंस नए रेजिडेंस भी बनेंगे फॉर द प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के लिए नया आवास बनेगा एंड द वाइस प्रेजिडेंट नियर साउथ एंड नॉर्थ ब्लॉक्स यानी कि साउथ और नॉर्थ ब्लॉक के पास प्राइम मिनिस्टर के लिए और प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट के लिए जो रेजिडेंसेज है वो बनेंगे विच विल बी रीपर्पस्ड एज म्यूजियम जिनका होगा वो एक म्यूजियम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा ये टोटल का खबर है पीएमओ तो पीएमओ के लिए भी एक नया बिल्डिंग होगा अ ड्राफ्ट मास्टर प्लान बाई अ प्राइवेट फॉर्म कॉन्ट्रेक्टेड बाई द गवर्नमेंट हैज प्रपोज अ ट्रेंगुलर शेप्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग नेक्स्ट टू द एग्जिस्टिंग हेरिटेज स्ट्रक्चर कौमा है रुकते यहाँ पर देखिएगा कहना क्या चाह रहा है कि देखिए ये हैज है तो हैज से पहले यह वर्ब है आपका तो इससे पहले सब्जेक्ट होगा तो यहाँ से देख रहे हैं और ड्राफ्ट से लेके इस गवर्नमेंट तक सब्जेक्ट है इसको समझते हैं और ड्राफ्ट मास्टर प्लान ड्राफ्ट का मतलब जो मास्टर प्लान है वो ड्राफ्ट ही हुआ है यानी कि मतलब ड्राफ्ट समझ रहे हैं ना कि उसका एक तरीके से एक खाका तैयार कर लिया गया है ड्राफ्ट कर लिया गया है

तो प्रपोज किया यानी कि प्रस्ताव रखा है और ट्रायंगुलर शेप्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग यानी कि पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग होगी वो ट्रायंगुलर शेप में होगी त्रिकोणीय क्या बोलते हैं हिंदी में ट्रायंगुलर एक शेप होगा नेक्स्ट टू द एग्जिस्टिंग हेरिटेज स्ट्रक्चर यानी कि बगल में ही होगा जो पहले से जो मौजूद है एग्जिस्टिंग का मतलब क्या जो पहले से जो हेरिटेज स्ट्रक्चर हेरिटेज का मतलब जो परंपरागत जो चलता आ रहा है जो विरासत वाला जो स्ट्रक्चर है पहले से जो पार्लियामेंट है उसके नेक्स्ट होगा उसके बगल में होगा एंड ऑफिस बिल्डिंग्स ऑल अलोंग राजपथ ऑल अलोंग का मतलब है कि राजपथ के साथ साथ पूरे राजपथ जहां तक है वहां पर ऑफिस की बिल्डिंग होंगे आफ्टर डिमोलिशिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स ओ हो यानी कि जो पहले से जो मौजूद बिल्डिंग है भैया उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा उसको समाप्त करके उस पर एक नई बिल्डिंग्स बनाई जाएगी ऑफिस की जो बिल्डिंग सब कुछ बदलने वाला है चलिए देखते हैं टिल डेट यानी कि आज तक द government हैज़ नॉट पब्लिकली स्टेटेड द प्रोजेक्ट्स एस्टिमेटेड कॉस्ट तो अभी तक जो है अब तक का जो रिपोर्ट ये है कि जो गवर्नमेंट जो है उसने पब्लिकली इस बात को स्टेट नहीं किया यानी कि बयान नहीं दिया है कि प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है कि कितने कॉस्ट में प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा आकलन जो अंदाजा वाला जो कॉस्ट है वो नहीं बताया है द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग फिर यहाँ कौमा है कौमा के बाद है कि अकॉर्डिंग टू द सी पी डब्ल्यू डी एप्लीकेशन फॉर एनवाटल क्लियरेंस फॉर द प्रोजेक्ट ऑन मार्च ट्वेल्व फिर कॉमा है फिर लिखा है इज एस्टिमेटेड टू तो कॉस्ट नाइन हंड्रेड ट्वेंटी टू करोड़ फुल स्टॉप देखिएगा इसको समझते हैं ये जो कॉमा पहले यहाँ तक ऐसे समझिए द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग ये कॉमा कॉमा के बाद यहाँ आई ये इज पर आ जाइए इज एस्टिमेटेड टू तो कॉस्ट नाइन हंड्रेड ट्वेंटी टू करोड़ तो so सेंटेंस आपका कुछ इस तरह है द कंस्ट्रक्शन यानी कि कंस्ट्रक्शन के लिए इज आया है तो आप समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्शन जो है नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है इज एस्टिमेटेड वो उसका ये एस्टिमेट है कि वो 922 करोड़ रुपए के करीब उसमें लागत आएगी क्लियर हो गया अब फिर आइए इस कॉम पर अकॉर्डिंग टू द सी ये किसके अनुसार है सीपीडब्ल्यू एप्लीकेशन यानी कि सीपीडब्ल्यू ने एक एप्लीकेशन लगाई फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर द प्रोजेक्ट ऑन मार्च 12 मार्च 12 को एक एप्लीकेशन लगाई किसके लिए कि भाई एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए एप्लीकेशन लगाई कि एनवायरमेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसका क्लियरेंस मिल जाए तब जाकर के पता चला कि इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो नौ करोड़ रुपए है इतना लगेगा बनाने में आगे देखते हैं देखिए द सेंटर हैज गिवन अ रेंज ऑफ रीजन बिहाइंड द री डिवलपमेंट प्लान कॉमा है रुकते हैं यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि सेंटर ये प्रेजेंट परफेक्ट है सेंटर ने दिए हैं और रेंज ऑफ रीजन्स रेंज ऑफ रीजन्स का मतलब होता है कि बहुत सारे कारण ये कहने का तरीका है रेंज ऑफ रीजन्स मतलब बहुत ज़्यादा कारण मतलब रीजन्स दिए हैं तर्क दिए हैं बिहाइंड द रीडेवलपमेंट किसके पीछे भैया तर्क है तो री डिवलपमेंट प्लान जो है इसके लिए जितने भी तर्क चाहिए वो सारे तर्क दिए फिर यहाँ कॉमा लगा के लिखा है कॉमा पे ध्यान दीजिएगा कई बार कंफ्यूज करता है यहां लिखा है कि फ्रॉम द स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स अब जब हम रीजन देते हैं तो है ना कितने रीजन दिए है कि इससे यहां तक तो फ्रॉम से शुरू होता है ना कि फ्रॉम फ्रॉम फलाना टू चिलाना ऐसे बोलते हैं ना टू डैश 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 तो एक फ्रॉम आता है एक टू आता है तो यहाँ फ्रॉम तो दिखाई दे रहा है अब इसके टू को ढूंढते हैं तभी क्लियर होगा लेकिन यहाँ बीच में क्या कर दिया यहाँ पर एक एडजेक्टिव क्लॉज लगा दिए यही प्रॉब्लम है यह बीच बीच में कुछ भी घुसा देते हैं अब इतमान से देखिए तो कारण जो दिए हैं जो रेंज ऑफ रीजन्स दिए हैं इस रीडेवलपमेंट प्लान के पीछे वो क्या है फ्रॉम द स्ट्रक्चरल सेफ्टी यानी कि स्ट्रक्चर के हिसाब से सेफ्टी वाला दिया है कि अभी जो पुराना जो है उसका स्ट्रक्चर अब ऐसा नहीं रहा सेफ्टी नहीं है तो ये एक कारण दिया अब तो पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक जो भी नॉर्थ साउथ ब्लॉक्स है उनका स्ट्रक्चरल सेफ्टी का एक कारण दिया है फिर कॉमा के बाद यहाँ लिखा है कि विच केम अप तो विच क्यों आया यानी कि इनके बारे में बता रहे जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है और जो नॉर्थ साउथ ब्लॉक के जो ऑफिसेज हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि विच केम अप जो आया बिटवीन 1911 1911 एंड उन्नीस के बीच में आया यानी कि देखिए ये बिल्डिंगे जो बनी उन्नीस सौ ग्यारह से उन्नीस सौ इकतीस के बीच में बनी ये हो गया चलो तो ये तो विच हो गया अभी भी हम फ्रॉम पे हैं फ्रॉम ये फिर यहाँ पर एक एंड से जोड़ दिया फिर कॉमा है एंड वंस डी लिमिटेशन इज डन डी लिमिट का मतलब होता है कि एक बार क्लियर कर देना कि हाँ जी इसकी लिमिट ये है उसको डीलिमिट कहते है. तो एक बार डीलिमिटेशन हो जाए एंड द नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज और नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो जाए फिर कौमा है फिर यहाँ पर टू लगा दिया है तो ये टू किसके लिए है ये फ्रॉम के बाद जो टू आता है उसके लिए है कि फ्रॉम स्ट्रक्चरल सेफ्टी से लेकर टू द नीड फॉर मोर स्पेस यानी कि ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता है टू सीट एम पीज एंड ऑफिस स्पेस मतलब जो जो एम और ऑफिस स्पेस के लिए जो है ज़्यादा जगह की आवश्यकता है फॉर ऑल ऑफ देम सारे लोगों के लिए इसलिए भी हमें ये रिडेवलपमेंट re प्लान चाहिए उन्होंने इतने कारण दिए हैं तो कुछ समझ में आएगा सेंटेंस कैसे बढ़े ये तो ठीक है फ्राम्स फ्राम से लेकर के टू द नीड और यहाँ पर ये क्या है एंड से एंड वंस डीलिमिटेशन इज डन घुमा फिरा करके बात की अगर सबका ऐसे ही देखें तो ये बात कही जा रही है कि एक तो स्ट्रक्चरल सेफ्टी की बात कही गई है एक है कि स्पेस की बात कही गई है ये हो गया और प्लस यहाँ पे बताया गया है कि बिल्डिंग 1911 से उन्नीस में बनी है तो भैया कहीं ना कहीं अब नया होना चाहिए ये बात है और यहाँ रखा गया है कि एक बार डीलिमिट हो जाए स्पेस डीलिमिट हो जाए कि हाँ भाई यहाँ तक होगा एंड नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज का पता चल जाए बस टोटल ये बात है इसको आप एक बार आप लोग ढंग से पढ़िएगा समझने की कोशिश कीजिएगा ठीक है आगे देखते हैं चलिए आगे देखते हैं यहाँ लिखा है कि फॉर द पोस्ट इंडिपेंडेंस बिल्डिंग देखिए पोस्ट का मतलब होता है के बाद में यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद में जो बिल्डिंगें बनी है सच एज जैसे कि शास्त्री भवन एंड कृषि भवन इनके लिए इट हैज साइटेड इट मतलब जो गवर्नमेंट है उसने साइट यानी कि हवाला दिया है कहा है द नीड फॉर मॉडर्न वर्क स्पेस की इन बिल्डिंगों को जरूरत है एक मॉडर्न वर्क स्पेस की एक मॉडर्न तरीके से जो कार्य क्षेत्र होता है उसकी आवश्यकता है आगे देखते हैं द यूटिलिटी ऑफ सच अ मैसिव रीडेवलपमेंट इज नॉट ईजिली डिफेंडेबल यहाँ पर रुकते हैं देखिए इज़ है तो इससे पहले आपका सब्जेक्ट है द यूटिलिटी यूटिलिटी मतलब जो उसका उपयोग है जो उपयोगिता है ऑफ सच अ मैसिव रीडेवलपमेंट इतने बड़े स्तर का मैसिव मतलब बहुत बड़े स्तर का जो आप रीडेवलपमेंट करेंगे तो इसकी जो उपयोगिता है जो यूटिलिटी है इज नॉट ईजिली डिफेंडेबल तो इसको आप डिफेंडेबल नहीं है कहने का मतलब कि आप इसका बचाव नहीं कर सकते आप ये नहीं बता सकते कि इतना बड़ा जो हम रीडेवलपमेंट कर रहे हैं तो ये इसका हम उपयोग करेंगे तो उस उपयोग के तर्क यू you नो know, आप उस बहुत आसान नहीं है आपको समझ पा रहे हैं कि इसकी यूटिलिटी को बताना वो डिफेंडेबल इजीली डिफेंडेबल नहीं है कि आप आसानी से उसकी वकालत नहीं कर सकते आसा, आसानी से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हाँ जी हम इसलिए चाहते हैं इतना बड़ा रेप डेवलपमेंट करना तो ये बात कही गई है बट लेकिन द मोदी गवर्नमेंट इज़ एविडेंटली इगर लेकिन जो मोदी गवर्नमेंट है वो एविडेंटली ज़ाहिर तौर पे एकदम सुस्पष्ट दिख रहा है कि वो इगर है उत्सुक है टू रिकंडीशन रिकंडीशन मतलब मरम्मत करना फिर से उसको कंडीशन में लाना कि वो उसको रिकंडीशन करने के लिए द कैपिटल्स लैंडस्केप लैंडस्केप का मतलब होता है कि जो भी एक एक कहते हैं न एक चित्र है एक परिदृश्य हिंदी में बड़ा मुश्किल होता है कहना मतलब शक्ल समझ लीजिए हुलिया समझ लीजिए कि कैपिटल के हुलिया को रिकंडीशन करने के लिए एकदम इगर है उत्सुक है एज इट्स मोनूमेंटल लेगेसी एज मतलब के रूप में किस रूप में मोनूमेंटल लेगेसी के रूप में कि अगर मतलब मोदी गवर्नमेंट की एक लेगेसी बन जाएगी कि इन्होंने इस इमारत के साथ ऐसा किया तो मोनूमेंटल एक लेगेसी बन जाएगी तो उस रूप में बड़े उत्सुक है करने के लिए समझ गया गैस ये बड़ा अजीब तरीके से एडिटोरियल वाले लिखते हैं हिंदी करना मुश्किल है बट आप समझिए एनी आगे देखते हैं गैज मैंने ये शायद नहीं पढ़ाया एक मिनट एक मिनट रुकी द डिसीजन ऑन री डेवलपमेंट वॉज टेकन इन अ हरी यानी कि जो फैसला है री डेवलपमेंट का उसे लिया गया इन अ हरी जल्दीबाजी में एंड विदाउट एडिक्यूट कंसल्टेसन और बिना पर्याप्त विचार पर्याप्त विचार, विचार विमर्श के एडिक्यूट का मतलब कि एक ठीक जो होना चाहिए था उतना विचार विमर्श नहीं हुआ और ये जो फैसला है री डेवलपमेंट का इसको जल्दीबाजी में लिया गया ये मैंने कराना भूल गया था ठीक है गाय जब यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया है हम आगे देखते हैं द अपोजिशन एनवायरमेंटलिस्ट आर्किटेक्ट्स एंड सिटीजन यानी कि इतने जो लोग हैं अपोजिशन वाले एनवायरमेंटलिस्ट जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो काम करते आर्किटेक्ट हैं या जो हैं हैव रेज्ड उन्होंने उठाया है अ रेंज ऑफ कंसर्न एक बहुत बड़ी चिंता उठाई है इवन बिफोर द पैंडमिक ब्रॉट इन एडिशनल इशूज़ यानी कि ये जो पैंडमिक है जो महामारी है ये जो लाया है एडिशनल इशूज़ जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा extra जो इश्यूज लाया है उससे पहले भी इन लोगों ने रेंज ऑफ कंसर्न्स उठा रखे हैं ये बात कही गई बट फार फ्रॉम पॉजिंग कॉमा है रुकते हैं फार फ्रॉम का मतलब बहुत दूर पॉजिंग का मतलब कि हम कुछ पल के लिए जो रोक देते हैं तो रोक देने से बहुत दूर यानी कि रोक देना तो दूर ही है सेवरल की अप्रूवल्स फॉर द प्रोपोज पार्लियामेंट यानी कि जो प्रस्तावित पार्लियामेंट है जो नया बिल्डिंग जो बनाना है उसके लिए जितने भी जो इम्पोर्टेंट अप्रूवल्स हैं तो उन अप्रूवल्स के लिए सेवरल की अप्रूवल्स जो है वो है, है इस बिल्डिंग के लिए हैप इन पुस्ट उनको पुश किया गया है ड्यूरिंग द लॉकडाउन यानी कि पॉज करना तो दूर की बात है जितने भी इंपॉर्टेंट अप्रूवल्स चाहिए उसको कहीं ना कहीं पुश किया गया है कि उस अप्रूवल की मांग की गई है उसके पीछे पढ़ा गया है लीडिंग एलिगेशन ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और जिसके कारण क्या हो गया का होता है, ले जाना उत्पन्न करना तो तक उत्पन हो है गवर्नमेंट trans, अपने इस प्रोजेक्ट के लिए वो आरोप तक लग गए हैं लेकिन गवर्नमेंट ने इस ड्यूरिंग द लॉकडाउन लॉकडाउन के अंदर उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर दी है पॉज करना तो छोड़ दो तो। ये बात है आगे देखते चलिए यहां देखते हैं इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मेंबर्स इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र एक्सपर्ट मेंबर्स जो बिल्कुल एक्सपर्ट हैं अपने काम में निपुण हैं तो जो मेंबर्स हैं ऑफ़ द सेंट्रल विस्टा कमेटीज़ ये जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा कमेटी की जितने भी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मेंबर्स हैं कुड नॉट अटेंड द मीटिंग वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सके वेयर इट वॉज पास्ड विदाउट मच डिस्कशन जहाँ पर इसको पास किया गया बिना ज़्यादा डिस्कशन के एज पर द minutes ऑफ द मीटिंग मिनट ऑफ द मीटिंग का मतलब होता है मीटिंग के विवरण के अनुसार तो मीटिंग का जो भी विवरण दिया गया उसके अनुसार ये पता चला कि जितने भी जो मेंबर्स थे एक्सपर्ट मेंबर इन्होंने इस कमेटी को अटेंड नहीं किया तो इसको पास किया गया ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ और पास कर दिया गया क्लियर है आगे देखते हैं द प्रोसेस फॉर चेंज ऑफ लैंड लैंड यूज बाई द डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी वॉज कम्प्लीटेड पहले इसको देखिए द प्रोसेस बात प्रोसेस की हो रही है कौन सा प्रोसेस फॉर चेंज ऑफ लैंड यूज़ लैंड यूज़ के चेंज का कोई प्रोसेस होगा थोड़ा टेक्निकली टर्म सब है वो जो प्रोसेस है बाई डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी वॉज कम्प्लीटेड उसे कंप्लीट कर लिया गया जस्ट बिफोर द लॉकडाउन बिगेन ऑन मार्च ट्वेंटी फाइव यानी कि पच्चीस मार्च को जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उससे पहले ही जो प्रोसेस है फॉर चेंज ऑफ लैंड यूज़ और किसके द्वारा डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये प्रोसेस होना था ये कंप्लीट कर लिया गया आगे देखिए एक्टिविस्ट्स एंड आर्किटेक्ट्स हैव क्वेश्चन द लैक ऑफ स्टडीज टू असर्टेन द नीड फॉर द प्रोजेक्ट इसको रुकिए मतलब रुक कर थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं लंबा सेंटेंस है देखिए एक्टिविस्ट यानी कि जो भी एक्टिविस्ट है, जो है, जो हैं जो समाज सुधारक लोग हैं एंड जो आर्किटेक्ट्स हैं हैव क्वेश्चन उन्होंने क्वेश्चन उठाया है द लैक ऑफ स्टडीज़ क्वेश्चन किस चीज़ का है कि ज़्यादा अध्ययन नहीं किया लैक ऑफ का मतलब है कमी है स्टडीज़ की कमी है टू असर्टेन असर्टेन का मतलब होता है पता लगाना निश्चित करना तो असर्टेन द नीड फॉर द प्रोजेक्ट कि प्रोजेक्ट की कितनी ज़रूरत है उसको पता लगाने के लिए पहले स्टडी करनी पड़ती है तो उस स्टडी की कहीं ना कहीं कमी है ये क्वेश्चन किसने उठाया एक्टिविस्ट ने और आर्किटेक्ट्स ने उठाया है एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट और इसका एनवायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी स्टडी नहीं की ट्रैफिक पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी स्टडी नहीं की और कितना पोल्यूट करेगा ये उसकी स्टडी नहीं की तो कहीं ना कहीं इस लैक ऑफ स्टडीज़ पर क्वेश्चन उठाया है अब देखिए देयर वर एनफ रीजनस बहुत सारे ऐसे कारण थे टू बी सर्कमस्पेक्ट अबाउट दिस ग्रांड आइडिया टू बी सर्कमस्पेक्ट का मतलब है कि चौकन्ना होना सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है सावधान होना होशियार रहना तो बहुत सारे कारण थे चौकन्ना रहने के लिए इस ग्रैंड आइडिया के बारे में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग शुरुआत से ही चौकन्ना रह सकते थे इन द सिचुएशन क्रिएटेड by द पैंडमिक इस सिचुएशन में जिसको क्रिएट किया गया इस महामारी के द्वारा जो सिचुएशन है इट मस्ट बी डेफर्ड इट का मतलब ये जो प्लान है इसको डेफर किया जाना चाहिए तो विलम्ब कर दे या रोक दे एंड द आइडिया रिविजिटेड लेटर यहाँ रिविजिटेड इसलिए क्योंकि मस्ट बी की बात हो रही है ना इसी मस्ट बी का यहाँ भी इस्तेमाल है बट दोबारा नहीं दिखाया गया है एंड लगा है तो एक तो डिफर कर दिया जाना चाहिए एंड द आइडिया मस्ट बी रिविजिटेड लेटर यानी कि आइडिया जो है कि हम ये बिल्डिंग को बनाएंगे तो इसको दोबारा से यू नो रिविजिट करना चाहिए बाद में करना चाहिए अभी टाल देना चाहिए ये बात कही गई है तो बस यही था दोस्तों इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं था मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था जिसको मैं अलग से कॉपी पे समझाऊं जब भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर आएगा तो मैं ज़रूर समझाऊंगा तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में चल दिन टेक केयर कि प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन थैंक यू गाइस